हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर तो जब भी आपको यहाँ पर कॉल आता है तो यहाँ पर आपको ऐसा नोटिफिकेशन आपको बताता है गाइज, जब भी कॉल आता है तो यहाँ पर ये बहुत ही इरिटेट करता है सभी को। तो इसे कैसे यहाँ पर कट करना है और कैसे इसे बंद करना है बताऊंगा इस वीडियो में, बिना ट्रूकॉलर को अनइंस्टॉल किए, बिना ट्रूकॉलर को डिलीट किए आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़रा भी इसकी मत कीजिए वरना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टेम्प्रेरी तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, लेकिन जब भी नया कॉल आता है तो यहाँ पर आपको फिर से ऐसे ही नोटिफिकेशन आती है और बहुत इरिटेट होता है फ़ोन उठाने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको दो तरीके बताऊँगा गाइस। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और उस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कमाई की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, सबसे पहला तरीका में यहाँ पर आपको ऐप्स में जाना होगा या फिर एप्लीकेशन मैनेजर में, जो सभी को पता है, और यहाँ पर आपको जाना होगा ट्रू कॉलर में। आपको ट्रू कॉलर ढूंढना होगा, यहाँ पर सभी फ़ोन में रहता है गाइस ये एप्लीकेशन मैनेजर या फिर ऐप्स। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर के अंदर यहाँ पर जाना होगा आपको। ट्रू कॉलर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली फोर स्टॉप कर देना हैगा, जिससे यहाँ पर जब भी कॉल आएगा तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अगर आपको अचानक से अननोन कॉल आता है तब आप क्या कीजिए मैं बताऊंगा आपको। तो आपको क्या करना होगा, फोर स्टॉप करने के बाद जब आपको अननोन कॉल आता है तो फ़ौरन से आप यहाँ पर ट्रू कॉलर को ओपन कर दीजिए, जिससे कॉल के दौरान यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और उस अननोन नंबर का कॉल, अननोन नंबर के ऊपर जो नाम है वो आ जाएगा अननोन नंबर पे। तो ये ट्रिक आपको करनी होगी गाइस, अगर आप बहुत ही इरिटेटेड हो रहे हैं तब। और दूसरा तरीका यहाँ पर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर एक एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना होगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है गाइस, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना होगा गाइस। ओपन करने के बाद यहाँ पर थ्री लाइंस रहते हैं, थ्री स्क्वायर्स रहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं ट्रूकॉलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रूकॉलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जर्व एक्टिविटी, ऑब्जर्व एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ऐप डिटेल ऑब्जर्व एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा आपको प्लस का निशान दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा, फिर ओके कर देना होगा, जिससे यहाँ पर एक शॉर्टकट बन जाएगा आपके होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर ऐसा शॉर्टकट बन जाएगा, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे आप डिटेल में चले जाएंगे, जिसे यहाँ से आप डायरेक्टली फोर स्टॉप कर सकते हैं। और जब भी यहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं ट्रू कॉलर, जब भी अननोन फ़ोन कॉल आता है तो यहाँ पर डायरेक्टली इसे आप ओपन कर दीजिए, जिससे यहाँ पर ट्रू कॉलर ओपन हो जाएगा और जो अननोन नंबर है उसका यहाँ पर नाम आपको दिख जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके का आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, फिर स्टाफ पर मैसेज कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मुझे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच।